राम को प्रिय केवल प्रेम ही है। इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है राम नाम का नाम जपने से। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मैं लगभग 10 वर्षों से नीप करोरी बाबा जी के नाम को जानता हूँ और उनकी तस्वीरें देखी हैं। मैंने पहली बार उनके बारे में रामदास के माध्यम से सुना है। वह अविश्वसनीय आत्मा जो पश्चिम में महाराज जी के दूत थे और मेरी दुनिया भी। मैंने उनका नाम जानने में जितने साल बिताए हैं, मेरे लिए वह मात्र एक कम्बल में एक बूढ़ा आदमी था जो रामदास के गुरु थे। रिमेम्बर बी हियर नाउ पुस्तक के दौरान रामदास महाराज जी के चित्र दिखाते हैं, फिर भी यह पुस्तक के सबसे कम दिलचस्प हिस्से की तरह लगा। उनकी अद्भुत शक्तियों और क्षमता के बारे में पढ़ने के बाद भी मुझे रामदास से अधिक जुड़ाव महसूस हुआ। आखिर महाराज जी मृत थे, इससे ज़्यादा मैं इस बारे में और क्या कह सकता हूँ। एक भी व्याख्यान ऐसा नहीं जाता जहाँ रामदास महाराज जी के बारे में बात नहीं करते हैं। फिर भी अधिक से अधिक लोगों के लिए महाराज जी पूरी तरह से अदृश्य हैं। वे उन्हें देख नहीं सकते, वे उन्हें महसूस नहीं कर सकते, वे उनकी उपस्थिति की था नहीं ले सकते। अब जब मैं उन्हें जानता हूँ तो महाराज जी हमेशा रामदास के भाषणों में मौजूद रहते हैं। जहाँ तक कि उनके रिकॉर्ड किए गए व्याख्यानों में भी मैं इसके पीछे के रहस्य को तभी समझ सकता था जब मैंने उनका सच्चा दर्शन किया था। बाबा रामदास जो बोलते हैं उसके नीचे महाराज जी दिव्य प्रेम का चुंबकीय क्षेत्र हैं। रामदास जी की भक्ति और महाराज जी के आशीर्वाद से उनका हृदय विलीन हो गया है। यद्यपि रामदास शब्दकार हैं और अनुसंधान और समन्वय के माध्यम से आध्यात्मिकता की विभिन्न तकनीकों और विधियों की उनकी जांच बेजोड़ है, महाराज जी इस मामले के हृदय बने हुए हैं। रामदास अक्सर उन्हें अन्य बातों के अलावा जहाज के कप्तान के रूप में संदर्भित करते हैं। एक बार फिर इस बात पर बल देना चाहूँगा, जिस भक्त को एक बार नीप करोरी बाबा जी महाराज का सच्चा दर्शन प्राप्त हो गया है, अगर वह भक्त कोई साथी भक्तों के आसपास नहीं है जो उन्हें समझाए कि यह ठीक है, क्योंकि बाहरी दुनिया या व्यक्ति को यह सब किसी प्रकार के पागलपन या मनोविकृति के रूप में प्रारंभिक सदमे दिखाई दे सकता है। उनके अस्तित्व की विशालता और यहाँ तक कि उसके साथ जो जुड़ाव और समकालिकता का अनुभव होता है, वह किसी भी बौद्धिक समझ की समझ से परे है। उन लोगों के लिए जिन्हें महाराज जी
अपने सर्वोच्च दर्शन के लिए स्वयं चुनते हैं, उनके लिए यह एक अपरिवर्तनीय प्रेम कहानी है। कदाचित जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और जिन लोगों के लिए वह अदृश्य रहना चाहते हैं, वे उन लोगों को कौतूहल से देखेंगे जो उनके प्रति आसक्त हैं और आश्चर्य करते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि वे उस आदमी में ऐसा क्या पाते हैं। महाराज जी की इस रचनात्मक अदृष्टता के बारे में यह एक बड़ा रहस्य है। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें देख पाते हैं उनमें से भी वह उन्हें जो देखने की अनुमति देता है उनकी डिग्री भी भिन्न होती है। कुछ के लिए महाराज जी उनके गुरु हैं और उनकी बेदी मंदिर में एक सुखद मुस्कुराते हुए भित्त चित्र हैं। कुछ के लिए वे रामदास के गुरु हैं, कुछ के लिए वे एक दोस्ताना मार्गदर्शक और एक मित्र हैं, कुछ के लिए वे अल्फा ओमेगा और सभी सृष्टि के अधिपति हैं। यदि आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। राम को प्रिय केवल प्रेम ही है। इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है राम नाम का नाम जपने से। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।